हाँ तो द्रौपदी कहिए देवर, आपको मेरे बड़े भाई वो प्रतापी राजकुमार दुर्योधन ने बुलाया है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अच्छा हाँ, आपके भाई ने मुझे बुलाया है। बुलाया है पर किस लिए बुलाया है देवर? वो तो वहीं जाकर पता चलेगा, क्योंकि वहां एक खेल चल रहा है जुए का, जिसमें आपके पांचों पति बैठे हुए हैं। उधर से हमारे परिवार के सारे, कुनबा के सारे लोग, हमारे सेनापति और अन्य सभी लोग मौजूद हैं, जिसमें हमने पांडव की सारी विरासत को जीत लिया है। और आखिर में तुम्हें भी दाव पे रखा था, वो गोट मामा शकुनी ने बगेली और उसका फैसला भी हमारे पक्ष में है। आखिर में तुम्हें भी हमने जीत लिया है। मेरा प्रतापी राजकुमार बड़ा भाई दुर्योधन वो आपको बुलाना चाहता है और वहीं इस बात का कुछ जवाब आपसे लेना चाहता है। अगर ऐसी बात है देवर तो मैं उस सभा में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरी मर्जी। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मेरी मर्जी चलेगी, क्योंकि मेरे बड़े भाई दुर्योधन ने मुझे आदेश करके भेजा है, अगर द्रौपदी राजी से आती हो राजी से, अच्छा वरना गैर राजी उसके केस पकड़ के खचीड़ता चला दुशासन, लेकिन उसको इस महल के अंदर पेश करना है। मैं भी तो देखूं तू कैसा लेके जावे मुझे। मैं अपने भाई के आदेश अनुसार कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, किसी को मार भी सकता हूँ और उसकी बात के कारण मर भी सकता हूँ। द्रौपदी मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी देवर। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुन ले। कहिए अपनी बात। गुरु जी कह दो। अरी वो अंधे का अंधा याद करे तो मेरी भी सुन ले देवर। वो अंधे का अंधा जिसको इंद्रप्रस्थ के महल के अंदर तूने अंधा बताया था। अरे वो तो मैंने जेठ के महीने में मजाक करी थी अपने जेठ से। जेठ से महीने में मजाक और क्या। हे रद्रोपत चाल मेरे संग में, राजी नहीं चलेगी, गैर राजी ले जाऊंगा, सुन ले। अरे अंधे का अंधा याद करे तो मेरी भी सुन ले। कह दे मैं सभा में जाने लायक ना मेरी। इज्जत की बात करती है, इज्जत की बात। अगर तू इज्जत की बात करती तो अपने जेठ से उस दिन इतना बड़ा शब्द ना बोलती जो आज तीर की भांति उसके सीने में गड़ा हुआ है। मॉडल जमाना है, जेठ क्या देवरों से भी मजाक कर ले, ससुर से भी मजाक कर लेते हैं। लेकिन जेठ से मजाक नहीं होती, सुन द्रौपदी, जेठ से मजाक नहीं होती। अरे जेठ का तो महीना भी ऐसा होता है कि हरी घास को भी फूंक देता है। जेठ कहला कदे मजाक नहीं होती, मेरी बात सुन ले। कहिए गुरु जी। तेरे द्रौपदी शर्म नहीं, फेरला कर ले, ठंडा कर ले मुंह जल जागा, खाया करके गरम नहीं। फेरला कर ले मुंह जल जागा, खाया करके गरम नहीं। फिर इन बातों में कदे द्रौपदी रे, इन बातों में कदे द्रौपदी, मेरा हृदय होता नरम नहीं। तन बहु बेटी ने बुरी तको सो यो क्षत्री का धर्म नहीं। तम बहु बेटी ने बुरी तको
मत जाता बकवाद करे तेरे सर पड़ जागी दूसा सन मत जाता बकवाद करे मैं सभा में जाने लायक ना मेरी दुई चिन बर्बाद करे चलना पड़ेगा नहीं जाऊंगी राजी भी नहीं जाएगी बिल्कुल नहीं जाऊंगी तो गैर राजी ले जाने के लिए तो मुझे मजबूर कर रही है हाँ लेके जाके देख अच्छा दो दो बॉडीगार्ड खड़े हैं गेट पे इज्जत की बात करती है हाँ इज्जत की बात करती हूँ लेकिन अगर इज्जत की बात करती तो अपने जेठ से ऐसा ना बोलती कोई नहीं बोलता घर परिवार समाज के अंदर जिसने ऐसा बोल दिया उस औरत के लिए कतई भी सही उपमा नहीं दी जा सकती लेकिन तूने बहुत बड़ा पाप किया है हाँ। उस प्रतापी राजकुमार दुर्योधन जो कि रिश्ते में आपका जेठ लगता है इतनी भद्दी मजाक आपने उस गैल्या करी है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और आज उसके पक्ष में माहौल है आज वो तुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है जो उसके हृदय में उसकी बेइज्जती के तीर उसकी छाती में घुसे हुए हैं आज वो अपनी बेइज्जती का एक एक कर बदला लेना चाहता है सुन ले द्रौपदी सुन ले हिमाती देखूंगा रे तेरे हिमाती मैं देखूंगा तने नंगी नाच नचावेंगे कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे तुम कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे अरे आज सभा में अरे आज सभा में तने नंगी करके अरे कैरव खेल खिलावेंगे सृष्टि के रचने वाले जनु के खेल खिलावेंगे सृष्टि के रचने वाले जनु के खेल खिलावेंगे फिर तेरा नंगा नाच देख कर तेरा नंगा नाच देख कर राजा दुर्योधन परमाद करे नहीं किसे में जोर इसा जो अपनी खता बताई नहीं मेरे जितनी और किसे में देवर मिले समाई नहीं मेरे जितनी और किसे में देवर मिले समाई नहीं अरे तेरे जैसे मुजरिम परी तेरे जैसी मारे कुल में अरे और बद जात लुकाई नहीं बेकायदे से तेरी बड़ी भाभी लगती हूँ तमीज से बोल तमीज से बड़ी भाभी माँ के समान होती है बिल्कुल होती है हाँ तो तमीज से बोल माइंड योर लैंग्वेज लेकिन जेठ भी सजनो नुकर का मांगे राम बडेला बेटा बराबर का हो भाई मांगे राम कवि महोदय ने एक लाइन लिखी है एक गाने में कह मांगे राम बडेला बेटा बड़ा बेटा बराबर का हो भाई क्योंकि अपने हर विषय के बारे में उससे सलाह मशवरा कर सकता है बाप इस तरह से मेरा बड़ा भाई दुर्योधन वो भी मेरे पिता समान है लेकिन उसकी बेइज्जती अगर तूने कर दी अपने एक शब्द के माध्यम से तो नहीं समझ तूने हमारे पूरे खानदान को तूने अपमानित करा है आज उसी बेइज्जती का बदला भरी सभा के बीच में लिया जाएगा और उस दुर्योधन का एक कहना है जिसने अंधे का अंधा द्रौपदी ने कहा था आज या तो इस भरी सभा के बीच में आकर के
दुशासन जा लेकर के आ, इस भरी सभा के बीच में आकर के निवस्त्र नगन होकर के यहाँ ठुमका नाच कर दिखावेगी या मेरी बाई जांग पा के बैठेगी, ये मेरे उस बड़े भाई का कहना है। बड़ा क्रोध है उसके मन में, जो तेने उसकी बेइज्जती करी है ना, आज जिस तरह से भी वो तुझसे अपनी बेइज्जती का बदला ले सकता है लेवेगा। सुन ले द्रौपदी मेरी बात सुन ले, अरे मारी खता बतावे सैरी, मारी खता बतावे से तने अपनी खता बताई नहीं, मेरे जितनी मेरे जितनी और किसे में देवर मिले समाई नहीं, अच्छा फिर हमारे कुल में तुझसे ज्यादा रे, तुझसे ज्यादा हमारे कुल में अरे और बद जात लुगाई नहीं, बेकायदे से मत बोले कुछ खाती तेरी कमाई नहीं, बेकायदे से मत बोले कुछ खाती तेरी कमाई नहीं, फिर तेरे जैसे मुजरिम पैरी तेरे जैसे मुजरिम पे बता कौन दया जला दे करे, नहीं किसे में जोर ईसा जो जी में गाद करे, मैं सभा में जाने लायक ना मेरी भुई जद बर्बाद करे, सब बात बता दी है मैंने तुझे, लेकिन फिर भी तेरे अंदर जो अहम है, जो तेरे अंदर से मुझे अहंकार की बू आ रही है, हाँ। अभी अपनी बात से पीछे नहीं हट रही है तू, बिल्कुल नहीं, आगे तक्की और बीज नया बोरी है, हाँ। लेकिन मेरी बात सुन ले, बीज बोया आखिर में, हाँ। मेरी बात सुन ले, ये सब बीज तेरा बोया हुआ है, अच्छा। ना तो इंद्रप्रस्थ के महल में, लोगों यमुना पार करने के बाद एक इंद्रप्रस्थ जगह पड़ती है जो दिल्ली के अंदर है, उसी के अंदर वो मायावी महल बनाया हुआ है, अब तो वो बिल्कुल खंडर हो चुका है, उसको बंद भी किया हुआ है, लोग देखने भी नहीं आते उसे, कई बस स्टेशन पड़ता है और अलग जगह वो जगह है, जैसे एक वीरान जगह हो जाती है, एक एक शब्द के कारण लोगों वो वीरान होगी, विश्वकर्मा भगवान की बनाई हुई वो इमारत, ऐसा मायावी महल वो खंडर हो गया, किस बोल के कारण, इस द्रौपदी के एक बोल के कारण, के अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं, सजनों बहुत बुरा परिणाम निकला, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हट रही है, फिर भी बदतमीजी कर रही है, घमंड की बात कर रही है, मैंने सारी बता दी, तेरे पांचों पति पूरी विरासत हार चुके हैं और आखिर में तुझे दाब पे रख दिया, हाँ। उस गोटी के परिणाम को भी तुझे बता दिया कि वो भी कौरवों के पक्ष में है, लेकिन अब भी पीछे नहीं हट रही है, नहीं हटूंगी, फिर रूप दूसरा लगी दिखावन री, रूप दूसरा लगी दिखावन, तने पिछला बोया काट्या ना, सब कहन में प्यारे देवर ज्यादा दिलियो टाटा ना, सब कहन में प्यारे देवर ज्यादा दिलियो टाटा ना, अरे हमने करब कौन कहे कारी, हमने करब कौन कहेगा जो तने थूक के चाट्या ना, ईश्वर की माया कर देवर भेद किसे न पाट्या ना, ईश्वर की माया कर देवर भेद किसे न पाट्या ना, अरे पहला बोया काट्या नारी, पहला बोया काट्या ना, अरे फेर नया क्यों फसा दे करे, गुरु मान सिंह के भजनों में नित्य याद करे सभा में।